दो रोड पे चरेला मैं हंडा चिली ना फेम मिली मंगे पा कंडा पे थोड़ा बनी बनाई ना गेम मिली। सत श्री अकाल हरियाणा भाई ने राम राम, क्या हाल चाल है, सारे ठीक ठाक हो गए भाई। जब से मैंने गुलजार छानेवाल भाई के न्यू टीजर पे रिएक्शन किया था लंबे लंबे पे, उसके नीचे ना मुझे दो चार कमेंट आए, तो खासा वाले चाहल का भी भाई का ते मतलब 12 तारीख को सॉन्ग आ रहा है, तो आज फाइनली हमारे खासा वाले चाहल भाई का भी सॉन्ग आ गया है। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, तो देखते हैं भाई खासा वाले चाहल ने भाई ने क्या बात की है इस पर, क्या बोला है, क्योंकि सब लोग इसको बोल रहे थे कि ये मतलब हमारे गुलजार छानेवाल भाई को रिप्लाई है, ऐसे ऐसे करके मुझे कमेंट आए थे। तो मुझे पूरी प्रॉपरली ये बात नहीं पता, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आप लोग क्या सोच रहे हो, या इसमें सच में मतलब गुलजार छानेवाल भाई को कंट्रोल मतलब रिप्लाई दिया गया है। तो वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, बाकी जो मुझे समझ में आएगा मैं भी इसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, जो खासा वाले चाहल भाई को प्यार करते हैं वो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले देखेंगे खासा वाले भाई का सॉन्ग। Oh. I'm the true champion, and they make me the underdog. I'ma show them all they're wrong, because I'm the champion. I'm the real champion. There'll never be one like me. ओ पैरी तै कदे डरे नहीं, जो बिन मर्जी कुछ करे नहीं, जो कुटिया तै मैला मैं आया, अपने दम पे नाम कमाया, दिल में जो सही बात है, जब बंदा मेहनत करके अपने दम पे आता है तो वो भाई बातें तो करता है। कोई चोर नी रखे साथ यार, कोई और नी रखे लोका की, जो फेम कचरिया दुश्मन ने लो एका सरिया, सर बिचाले होए पैर का कोई तो कारण देवेंगे, उत्ते जे कोई ईसा कौन था मेरे उदाहरण देवेंगे, उत्ते जे कोई ईसा कौन था मेरे उदाहरण देवेंगे, इतनी खूबी एक जने में मेरा उदाहरण देवेंगे, इतनी खूबी एक जने में मेरा उदाहरण देवेंगे। ये VFX अच्छा यूज किया गया, बाकी वीडियो भी अच्छी है, और जहां तक हमने गाना सुना है लिरिक्स बाकमाल है भाई, अच्छा लग रहा है सॉन्ग। सदी बीसवीं मैं जामिया और इक्कीसवीं मैं राज करा, वो कई साल आए पहले कर क्या लोगों ने जो आज करा, मेरी खुद की पावर सुना सिल्वर मने सुकून मिली, जुटी ते कुची पे आया पहला जाटे मैं ना यून मिली, गुच्ची से यहाँ पे क्या बोला भाई ने, गुच्ची से गुच्ची पावर सुना सिल्वर मने सुकून मिली, जुत्ती ते गुच्ची पे आया पहला आखा, जुत्ती से गुच्ची पे आया और जिसो ठंड में ना कभी ऊन मिली, भाई यहाँ पे अपना दे रहे हैं कि मैंने क्या किया है और मैंने क्या सहा है जिंदगी में, मैंने बहुत स्ट्रगल किया फिर यहाँ तक आया हूँ, ये तो है नहीं कि कल पैदा हुआ आज यहाँ पे आ गया कि दादा परदादा की कमाई उस पे दौलत पे ऐश कर रहा हूँ, नहीं, कह रहा मैंने खुद ये कमाया है। तो भाई तो सही बात है, जब बंदे ने खुद स्ट्रगल किया हो तो बंदे के अंदर एक वो होता है कि भाई मैंने किया है तो किया है, तो किया है भाई, इसमें कोई डर नहीं। अटे मैं ना यून मिली, इसे राम पर काज करा था और आपकी की जू चाल्या करता, खोप गणा था डाकी का कोई आंख में आंख न गाल्या करता, सिल्लू वाले जप्पे जिता मेरी आत जला क्या बचना नहीं, टाउन होन पे रोया नहीं जे खड़ा टोप पे मचना नहीं, बस क्या जे कोई मौके पे ना किल की मारन देवेंगे, अच्छा अच्छा भाई ये मुझे अब समझ आएगी भाई ये बातें क्यों कर रहा है। अच्छा इसके कहने का मतलब ये है कि जब जब कोई ये बातें करेगा कि कौन ऐसा बंदा था या ऐसा कौन पैदा हुआ था जिसने अपने दम पे बात की, तो वो कह रहा है वहां पे मेरी उदाहरण दी जाए कि खासा वाला चाहल था जिसने ऐसा ऐसा किया, ये मतलब एक गाने का थ्रू रखा गया, ठीक है, ओके ओके, अब समझ में आई मुझे। इतनी खूबी एक जने में मेरा उदाहरण देवेंगे, इतनी खूबी एक जने में मेरा उदाहरण देवेंगे, मैं लंबी रेस का घोड़ा सू, मैं रात
रतन का सोक मन त्री नेत्र तारी का चेला गुण दे का सारा रोक मन रोड वे जरेला मैं हंडाई चीली ना फेम मिली मंगे पा कंडा पे दौड़ा बनी बनाई ना गेम मिली ठासा काम तेरी खुजली कौतन ठोस निवारण देवेंगे यार ये सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बंदे को रिप्लाई दिया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे सब मिला है, मैंने खुद कमाया है। यहाँ से ये वाला पहरा सुनो तो इसमें सच में ऐसा लग रहा है कि खासाला चाहल भाई किसी को जवाब दे रहा है। मेरा उदाहरण देवेंगे मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ, ये नहीं कि एक दो दिन चला बाद में बंद हो गया। मेरा टाइम है, मैं चलता रहूंगा लंबी जोर तक। सही है, अपने आप को ऐसा रखना चाहिए। तारी का चेला गुण दे का सारा रोक मन रोड पे जरेला मैं हंडाई चीली ना फेम मिली रोड से लेके रेला तक हांडा, मतलब कभी रोड पे चलता था फिर रेलों में मैंने धक्के खाए हैं, तो ऐसा वो नहीं मिला मुझे। ये इतना कुछ स्ट्रगल किया है तब मिला है। के पाकंडा पे दौड़ा बनी बनाई ना गेम मिली खासा काम यार मुझे ना सच में ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं जब बंदा अपने स्ट्रगल के बारे में बताता। एक बंदा मोटिवेशनल सॉन्ग है, समझो तो एक मोटिवेशनल सॉन्ग है जिसको सुन के ऐसा लगता है कि इन लोगों ने भी मेहनत की है, इनको कौन सा। वो कह रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा करके मुझे वो मिला है, ना कि बनी बनाई गेम मिली कि आ जाओ तुम खेल लो, ऐसा नहीं है। मैं गेम तक पहुंचा तब खेला है मैंने, बहुत जबरदस्त चीज दी है। खुजली का तन ठोस निवारण देवेंगे उच्चे जे कोई ईसा कौन था मेरे उदाहरण देवेंगे उच्चे जे कोई ईसा कौन था मेरे उदाहरण देवेंगे इतनी खूबी है कजने में मेरा उदाहरण देवेंगे इतनी खूबी है कजने में मेरा उदाहरण देवेंगे दिल का तो था एंडी हो पर बोली का था खारा रे उस टेम की बुढ़ी बोलेंगी ओ कटे कर रस्ता मारा यहाँ पे आपने गौर से सुना, कह रहा वो जब उस टाइम जब वो टाइम आएगा तो बूढ़ी ये बोलेगी कभी हमारा ये क्रश था खासा ले चाल भी भाई जबरदस्त यार, अच्छा लगा। पोते जिक्र करेंगे रे इसके तो हम आते ना मेरे पैरी फिक्र करेंगे रे महंगे दाम का पैर मारा सस्ते में ना सारण देवेंगे भाई सच में सही था सॉन्ग और बहुत प्यारा सॉन्ग था ये। एक मुझे नहीं लग रहा ये रिप्लाई किया गया, मुझे यही लग रहा है कि भाई ये एक भाई ने मोटिवेशनल सॉन्ग निकाला है। कभी ना कभी किसी का भी टाइम आ सकता है, ये नहीं है कि सब बंदे का टाइम किसी का नहीं आएगा, किसी का भी आ सकता है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर कभी पूछा जाएगा तो मेरी एग्जाम्पल दी जाएगी कि ऐसा कौन था, वो कह रहे हैं ऐसा कहा जाएगा वो था। मतलब भाई सॉन्ग का ऐसा होना जरूरी है क्योंकि सिंगर जब तक ऐसा गाना नहीं निकालेगा यार लोग कैसे पहचानेंगे। भाई मुझे तो सॉन्ग बहुत बढ़िया लगा, मुझे ये नहीं लगा कहीं भी ये रिप्लाई दिया गया। बाकी आप लोग बताना भाई, क्योंकि जो एक सिंगर को ज़्यादातर सुनते हैं, मान लो जो खासा अली चाहल भाई के फैंस हैं, उनको ज़्यादा पता होगा कि किस बात पे या किस वे पे सॉन्ग निकाला गया है। क्योंकि जब मैंने आज तक जिस भी सिंगर का सॉन्ग सुना, मैंने कभी कंट्रोवर्सी रख के सॉन्ग नहीं सुना है। मैंने एक अपने अच्छे के लिए या यूट्यूब के लिए या मुझे जिस सिंगर के हरियाणा के जो जो सिंगर मुझे पसंद है, मैं उनके सब पे सॉन्ग पे रिएक्शन करता हूँ। वहाँ पे हमारे गुलजार छाने वाला आते हैं, केडी भाई आते हैं, हमारे ढांडा न्योली वाले भाई आते हैं, आरपी सिंह आते हैं, खासा वाले चाहल आते हैं, और भी काफ़ी सारे सिंगर हैं जिनके सॉन्ग पे मैं रिएक्शन करता हूँ। तो मैंने कभी भी कंट्रोवर्सी रख के गाना नहीं सुना है, मैंने एक अपने इंटरटेनमेंट के लिए सुना है और लोगों को जो प्यार मिलता है उनके लिए सुना है। बाकी भाई आप लोग बताना आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा सॉन्ग लगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, सत श्री अकाल, बाय बाय।